सो माई फ्रेंड्स हेलो एंड राइट नाउ मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे चाय के बागान में जो हाईफील्ड टी फैक्ट्री है। एंड आप देख सकते हो कि नज़ारे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है बॉस, ज़बरदस्त। अभी यहाँ पे चॉकलेट फैक्ट्री, टी फैक्ट्री, टी प्रोसेसिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें 2 घंटे के अंदर, सॉरी 1 घंटे के अंदर दिखानी है, और फिर फटाफट हमें जाके ट्रेन भी पकड़नी है। तो चलो दिखा देता हूँ मैं आपको पहले। तो जब आप यहाँ पे कुन्नूर के अंदर आते हो तो यहाँ पे पास ही 4 किलोमीटर दूर पे हाईफील्ड टी प्रोसेसिंग सेंटर है। तो आप चाहे तो वहाँ पे भी जा सकते हो। यहाँ पे रिक्शा वाले के पास में एक टूरिस्ट कार्ड होता है, जहाँ पे वहाँ पे प्राइजेस लिखे हुए रहते हैं कितने रुपये में कहाँ कहाँ जगह वो टूर कर सकते हैं। मिनिमम 600 से स्टार्ट होता है, बट हमें सिर्फ हाई फील्ड करना है। तो मैं अभी एक रिक्शा वाला है उससे 300 रुपये में डील करूँगा, अगर हो गई तो वेल एंड गुड, अगर वो 400 रुपये का है, अगर हो गई 300 रुपये में तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर सिर्फ कुनूर घूम के हम चले जाएंगे। रिक्शा वाले मान गए 300 के अंदर। तो एंड रुपेश आ जा। तो ये सर ने अभी एल्बम एक दी है जिसके अंदर ये जगह हम चेक कर सकते हैं कैसी जगह है। रियली नाइस। तो फाइनली हम पहुंच गए ये चाय के बागान में, और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं चाय के बागान देख रहा हूँ। अभी तक तो सिर्फ चाय पीता था, लेकिन आज देख रहा हूँ, अमेजिंग। अभी डायरेक्ट अंदर जाके आपको बताता हूँ। जैसे ही आप कुनूर से उतरोगे वैसे ही आपको ये रिक्शा मिलेगी, सिर्फ 4 किलोमीटर है। और वो रिक्शा वाले ने हमें यहाँ से 4 किलोमीटर यहाँ पे लाने और वापस से लेके जाने तक, एंड जो वेटिंग चार्ज है वो सब मिला के 300 रुपये लिए। उल्लू बन गया, मैं उल्लू बन गया, पता है किसकी वजह से? रुपेश की वजह से। सच में अगर मैं पर्सनली यहाँ पे होता ना, तो मैं कैसे भी करके फिगर आउट कर लेता कि यहाँ पे कैसा आना है, ठीक है। लेकिन कैसा है ना यार, रुपेश का है ना मूड एकदम ख़राब हो जाता है। वो बोलता है कि हम कुनूर किस लिए आए, ये किस लिए आए, उसको चल के भी आने का प्रॉब्लम है, 4 किलोमीटर ही है खाली। एंड वो बोलता है कि कैसे भी करके बात कर कम में करवा दे। तो कितना कम कम करके 600 रुपये के, 600 रुपये से कम करके तो मैंने अभी 300 रुपये में करवाया है। अभी क्या करूँ यार, अभी चलो वो 150 रुपया वो देगा, 150 रुपया मैं दूंगा और ये चला लेगी काम। लेकिन चलो मैं आपको चाय फील्ड बता देता हूँ। ये बड़ी ही प्यारी है, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और चाय की पत्तियाँ, चुनिंदा पत्तियों से बनी हुई चाय, चुनिंदा पत्तियों से बनी हुई चाय। अब ये चाय देखता हूँ, ये मैंने चाय की पत्ती अंदर डाल दिया, थोड़ा सी दूध डाल दूंगा मैं, शक्कर, चाय बन गई। सॉरी बहुत गंदा मजाक था, बट बहुत खूबसूरत है यार ये। लाइक बहुत ही सीनिक प्लेस है। आप आ रहे हो तो लाइक अगर आप गर्ल हो तो यहाँ पे जो चाय की पत्ती चुनने वाली औरतें होती है उनका एक अटायर होता है, उनका एक ड्रेस होता है पहनने के लिए। तो यहाँ पे पास ही में ड्रेस मिलता है, वो कुछ पैसे दे के आप वो ड्रेस खरीद के वैसे अटायर के अंदर यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हो, ये भी आपके लिए चॉइस है। एंड बॉयज़ के लिए तो आप, अगर आपके हाथ साथ में गर्ल्स है तो उनकी पिक्चर लेते रहोगे आप, आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा। बट अगर आप ऐसा दोस्तों के साथ आ रहे हो तो बहुत ही सीनिक व्यू है, बहुत अच्छा लगता है ये। तो मैंने एक यहाँ पे चीज़ देखी है, चाय के बीच में मैंने एक ऐसा ये चाय के पेड़ को, चाय के झाड़ों के बीच में मैंने ये एक ऐसा फल देखा है। अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, अगर प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो आप मुझे पहले प्लीज़ बताओ कि ये क्या चीज़ है। इसको नाखून मार के देखता हूँ मैं, कड़क है, बहुत कड़क है। तो मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखा है, आप मुझे प्लीज़ बताओ क्या है ये चाय के है फूल, ब्लडी फूल। तो हम चाय की फैक्ट्री के अंदर आ गए हैं, जहाँ से बाहर से जो ग्रीन कलर की आपको चाय की फैक्ट्री दिख रही थी, हम उसके अंदर आ गए। और ये पूरा के पूरा प्रोसेस है चाय बनाने का, पता नहीं कैसा है, आपको बताता हूँ, ठीक है। तब तक ये चाय की फैक्ट्री से ये सीन कैसा दिखता है ये देख लीजिए आप, अमेजिंग है। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि मेरा कैमरे का माइक चलना बंद हो गया है,
एंड राइट नाउ आई एम डूइंग वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर के कारण मैं आपको बता देता हूँ। सो ये सूखी हुई चाय की पत्तियाँ है जो भी मॉइस्चर है इसके अंदर से निकाल लिया गया है। मॉइस्चर निकालने का जो प्रोसेस है, जो मैनुअल प्रोसेस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये दो फैन है, यहाँ पे ताज़ी चाय की पत्ती रखते हैं। एंड ये जो है ये डिहाइड्रेटेड लाइक जो मॉइस्चर निकली हुई चाय की पत्ती। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये लोग जो चाय की पत्तियाँ होती है उसे इस मसल थे, ये जो बारीक बारीक जो आप होल देख रहे हो उसके बेस में, वहाँ से उसका सारा मॉइस्चर जाता है। उसके बाद ये लोग डिहाइड्रेटर में डाल देते हैं जहाँ पे इसका सारा पानी सूख के कुछ चाय के लीव्स इस तरह से बन जाते हैं। तो ये अभी जो हमारे घर में चाय आती है उस तरह का रूप लेने लगी है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद ये देखिए एग्जैक्ट जो हमारे घर की चाय होती है, जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ वाली लीव्स होती है, ये उस चाय की हो जाएगी। यहाँ पे आके मैंने फर्स्ट टाइम वाइट टी देखी है। जैसे ग्रीन टी होती है वैसी वाइट टी होती है, जो बहुत ही इफेक्टिव होती है। अगर आपके घर में कोई भी हार्ट पेशेंट है उसके लिए वाइट टी इज मिरेकल। एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ ग्रीन टी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरे साथ वापस से बहुत ही गलत हुआ। लाइक मैंने वापस से कैमकॉर्डर का बटन माइक के अंदर ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी जो चार क्लिप थी उसके अंदर आवाज़ ही नहीं आई है। तो मैं ये कह रहा था मेरी लास्ट क्लिप के अंदर कि मैंने यहाँ पे चार चाय टेस्ट करी है, ठीक है। एक तो नॉर्मल चाय होती है सुपर, वो सबसे अलग थी। एंड बाकी जो दो चाय थी लाइक एक जिंजर और एक मसाला थी जो नॉर्मली हर जगह पे मिलती है, लेकिन एक सबसे यूनिक चाय मैंने टेस्ट की है चॉकलेट टी। चॉकलेट टी इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट एंड वेरी गुड। अगर आपको कुछ अलग ट्राई करना है, लाइक कभी कभार एक कुछ अलग चाय पीनी है, तो आप यहाँ से चॉकलेट टी ले सकते हो। उसका प्राइस मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो ये साक्रीडोरा ऑयल है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑयल्स मिलते हैं जो आपके मसाज एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, एक सोप है 24 कैरेट चंदन गोल्ड सोप। ये जो सोप है, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 1000 रुपीज़। दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सोप दैट आई एवर सीन। एंड सेकेंड थिंग, एक दूसरी भी सोप है यहाँ पे, लाइक इस टाइप के सोप है। इसकी जो पैकेजिंग है ना, ऊटी नेचुरल सोप है, विनेगर ऑयल कोकोनट ऑयल एरोवेला और नलपनम से बना हुआ। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिए इसकी पैकेजिंग, इट्स सुपर। एंड प्लस जो चार चाय के फ्लेवर्स है, उसके बाद में फिल्टर कॉफीज है, नॉर्मल जो आपका कॉफ़ी बीन्स होते हैं, ये तो सब इसके अंदर है ही। चॉकलेट कॉफ़ी पाउडर और सॉरी चॉकलेट टी पाउडर, जो चॉकलेट टी है वो आपको कितने के लिए रुपए सुने, वन चॉकलेट टी 170, 250 ग्राम्स है। एंड 250 ग्राम्स, इट्स रियली लाइक, पता नहीं अभी मेरे को चाय का इतना पता तो नहीं है, लेकिन इट्स गुड। तो राइट नाउ वी आर गोइंग इन चॉकलेट फैक्ट्री। टी टी गार्डन कवर कर लिए, टी फैक्ट्री कवर कर लिए, टी का जो शॉप था वो कवर कर लिया। अभी एक लास्ट चीज़ बची है, चॉकलेट फैक्ट्री, अभी वो कवर करनी है। होम मेड चॉकलेट फैक्ट्री यहाँ पे, यहाँ से चल ऊपर जो है ये एसेंशियल ऑयल यूनिट है, जो हमने ऑयल देखा था ना वहाँ पे, वो है। तो एक बार चलो चॉकलेट फैक्ट्री कवर देख लेते हैं। तो ये हम आ गए हैं चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर। अंदर एक एंडी है, देख लेते हैं अभी वो क्या क्या चॉकलेट उनके पास है, किस तरह की है, पहले टेस्ट करते फिर क्या लेना है क्या नहीं, यहाँ से चेक कर लेते। बट नज़ारा 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 का पूरा पैसा है। सो दिस आर द यूनिट ऑफ द चॉकलेट फैक्ट्री, ये टेस्टिंग यूनिट हमें दिया गया है। ठीक है, तीन तरह की चॉकलेट है यहाँ पे, एक नॉर्मल आई थिंक ये डार्क चॉकलेट है, ये मिल्क चॉकलेट है, और ये कौन सी चॉकलेट है मैडम, मैंगो। ओके, ये मैंगो चॉकलेट है। कैडबरी जैसी नहीं है, अलग है, डार्क चॉकलेट भी नहीं है, अलग है, अलग चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट अभी ट्राई करते हैं। चॉकलेट अच्छी थी, मैंगो इतनी खास नहीं थी, वाइट मैं चेक कर लेता हूँ। अगर आप बहुत हाई क्वालिटी चॉकलेट खाते हो ना, ये चॉकलेट का स्टैंडर्ड लो है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो चॉकलेट टी ब्राउन कलर की मैंने जो बताया था, 70% कोको एंड 30% फार्म शुगर है, नॉर्मल शुगर नहीं, जो फार्म से आती शुगर, कोई भी प्रोसेसिंग शुगर नहीं है। तो अभी जाने का टाइम आ गया है, मैंने तो कुछ नहीं लिया है। तो अभी ऑलरेडी 3:30 बज गया है, 4 बजे की ट्रेन है, 3 बजे ऑलरेडी टिकट काउंटर खुल गया, चलते हैं रिक्शा के अंदर। ये हमारी पीछे रिक्शा खड़ी है, चलो सर चलते हैं। Hey!
तो जो टिकट है ये, द टिकट इज ओवर, ठीक है। तो अभी बस से जाना पड़ेगा हमें, एवरी टिकट इज ओवर, ख़त्म होगी टिकट, हाँ। तो आप देख सकते हैं रुपेश के हाथ में तीन तीन बैग है, एंड प्लस उसका बड़ा वाला कैमरा, उसका छोटा कैमरा मैं पकड़ा हूँ, उससे दो बड़े बड़े बैग लेकर आया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक यूटिलिटी बैग जो मैं पीछे कैरी किया हूँ, वही उसने नहीं लाया। देखते हैं अभी कैसा लग रहा है, देखो बहुत अच्छा। इसका उल्टा कर लो, टोटली उल्टा कर लो। तो मुंबई की भीड़ है यहाँ पे, चल 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 चल, आराम से आराम से आराम से आराम से, चल चल चल, आगे चल आगे चल आगे चल, सामने घुस जा सामने घुस जा। धक्का मार कर घुसाना पड़ रहा है इसको। फाइनली सबसे बेस्ट पार्ट ये है, कितनी भी भीड़ हो, बैठने की जगह मिल जाती है ना, तो आराम ही आराम है। तो ये तकलीफ दूसरे लोग के लिए, अपने लिए नहीं। लेकिन ये लेडीज सीट तो नहीं है ना, मेरे को नहीं लगता है। यहाँ पे मुंबई वाला हिसाब नहीं है, मुंबई वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे। सवारी चालू है बस की, कितना रुपए टिकट है, मतलब टिकट क्या, की टिकट कितना होती है, जैसा 40। फाइनली वी आर हियर। जो ट्रेन के अंदर टाइम लगा था उसका आधा टाइम लगा है, हाफ एन आवर के अंदर हम, हाफ एन आवर के अंदर तकरीबन हम यहाँ पे आ गए। 20 रुपये टिकट लगी हुई है, बहुत आसान था। अभी हम अपने होटल के अंदर जा रहे हैं। मैंने होटल वाले को बोल के तो आया था कि मेरा रूम चेंज करना है, फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी वाला रूम चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं। मैंने रूम का चेंज करने के लिए कहा था, वो हो गया है, होटल वाले लोग ने रूम चेंज कर दिए। क्या, ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग। सबसे पहले बाथरूम देखते, ओके बाथरूम में लाइट थोड़ी कम है, लेकिन बाथरूम में तो हम व्लॉगिंग करेंगे नहीं, तो लाइट जैसी भी होगी चलेगा। देखो रूम और अंदर से देख लेते। तो ये रुपेश और ये हमारा रूम, रूम बहुत ही क्लास है, रूम बहुत ही क्लास है, बेड बहुत ही अच्छा है। यहाँ का जो लाइटिंग है बहुत ही, बहुत सॉफ्ट लाइटिंग है, तो थोड़ा सी प्रॉब्लम होगा व्लॉगिंग के अंदर, बट आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, बिकॉज रूम बहुत ज़बरदस्त है, कर सकते इतना। हाँ वही तो। एंड जो यहाँ का आईना है, जो मिरर है, सुपर, सब कुछ यहाँ पे आ गया, सब कुछ मतलब बोलते हैं ना, एकदम परफेक्ट है। और ये रूम का जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना, सबसे बेस्ट पार्ट, वो उसकी बालकनी है जो मेरे पीछे है। चलो, ओह फाइनली, मेरे को बालकनी इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि कल मैंने जाके ओनर से इंसिस्ट किया कि प्लीज़ मेरे को फ्रंट में बालकनी वाला ही रूम दो कैसे भी करके। उसने कहा कि एक दिन जो वो रात थी, प्लीज़ वहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिए, कल ये रूम खाली हो रहा है तो मैं आपको दे दूँगा। एंड जो कल है, आने वाला कल है, वो मेरा लास्ट दिन था, लेकिन मैंने एक और दिन ये रूम को देख के एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और दिन तक रहेंगे, एंड क्या पता जो हमारा प्लान था हम उसके हिसाब से ही चले। एंड ये रूम की जो सबसे बेस्ट पार्ट बताया क्या है, एक तो रूम बहुत अच्छा है, एक जो बालकनी का व्यू है वो ज़बरदस्त है। आपको जो रेलवे स्टेशन है, जो हम सुबह में गए थे, वो एग्जैक्टली सामने, ये चीज़ मैंने सुबह में भी बताई होगी, लेकिन अभी जो बालकनी से व्यू आ रहा है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। ये स्टेशन है, अगर आप थोड़ा सी नज़र अपना ऊपर उठाओगे ना, तो यहाँ पे आपको पहाड़ दिखेगा, जूम करके बता देता हूँ, ठीक है। ज़बरदस्त है पूरा, मतलब पूरा तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट एक बहुत अच्छा हिस्सा ऊटी का, यहाँ से हम आराम से देख सकते, वो आराम से खा के देखूँगा। बियर तो मैं पीता नहीं, हराम है हमारे अंदर, तू पीता है इसलिए। बहुत ज़्यादा ठंडी है, मैंने कम से कम 4 लेयर पहने, एक टी शर्ट के ऊपर शर्ट, शर्ट के ऊपर स्वेटर के ऊपर जैकेट, उसके बाद भी मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है। मैं यहाँ से डोमिनोज जा रहा हूँ पिज़्ज़ा खाने के लिए, और रूपेश के लिए भी लेके आऊँगा पिज़्ज़ा एंड पेन के लिए। तो लाइक अभी मैं डोमिनोज के अंदर था, एंड डोमिनोज के अंदर बाप रे, लाइक जो पिज़्ज़ा हमारे यहाँ पे, लाइक जो पिज़्ज़ा मिल गया 62 रुपीज़ का मिलता है, वो यहाँ पे कुछ 110 रुपये का है। एंड जो लाइक जो एवरीडे पिज़्ज़ा होता है 99 रुपीज़ के, जो दो पिज़्ज़ा होता है वो यहाँ पे पर यूनिट 139 रुपीज़ का, लाइक पता नहीं क्यों। लेकिन अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा लेता है ना मुझसे, तो फिर वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं करता लेने का। तो अभी मैं जो ये आके ट्रेडिशनल खाना है परोठे, पराठा जो रहता है लोग का, वही लेके जा रहा हूँ। और